बेटे को दूध पिलाया, उसको पता है सुलाते सुलाते मेरा ये गीला हो गया, पसीना एकदम, क्योंकि वो सोता है तो सिर्फ मेरे पास, उसको चाहिए सोने के टाइम मम्मा। अभी पति देव से बात हुई तो बोले कि अभी हम निकल चुके हैं वहाँ पे जाने के लिए। ला वेलेजा, ये भाई एक ये इयररिंग है इंस्टाग्राम के पेज से, ला वेलेजा के पेज। ऐसे कॉर्नर देखो, ये कितना नोक है, अगर ये गिरेगा तो ये आंखों में भी लग सकता है, सर में भी लग सकता है, शरीर के किसी भी अंग में लग सकता है। अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो लोग ये भी कहते, तुम ये भी तो बोल सकती थी किट्टू, मेरे पापा जी। हाँ मेरे पापा जी हैं, मैंने कब कहा कि मेरे नहीं है। लेकिन होता है ना, इंसान सास को सासी बोलता है, ससुर को ससुर बोलता है। मेरे लिए क्या कमेंट आया कि तुम क्या अपने पति के साथ नहीं जा सकती हो, तुम एक अच्छी बहू नहीं हो, तुम बहू के लायक नहीं हो, और तुम क्या जा नहीं सकती। हे गाइस, वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो अभी जस्ट एक पार्सल आया था, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया, उसको पता है सुलाते सुलाते मेरा ये गीला हो गया, पसीना एकदम, क्योंकि वो सोता है तो सिर्फ मेरे पास या प्रवीण के पास। और कभी कभी अगर ऐसे कोई वीडियो देख रहा है घर, मतलब म्यूज़िक वाला, तो भले सो जाता है छोटी के पास ऐसे तो, लेकिन उसको चाहिए सोने के टाइम मम्मा। आगे छोटी मुझे दी तो फिर मैंने उसको सुला दिया। तो अभी एक पार्सल आया था तो मैं इसको खोल के अनबॉक्सिंग करती हूँ ये वाला, और मैं लाइट बंद कर देती हूँ। ऐसे चालू कर दूँ क्या? ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलती हूँ प्रवीण के पास। आज मैंने सोचा कि आज मैं दो ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि प्रवीण अभी अभी ब्लॉग नहीं आया क्या? नहीं, वो अभी थोड़ी देर बना रहा हूँ, अभी आ जाएगा। तो आए क्लिक ये डालो ना कि क्या डालोगे टाइटल? ये क्रिटिक प्लेइंग टॉयस। चलो ठीक है, अच्छा है। क्या बोल? कुछ नहीं, वही मैं सोच रही थी क्या कर रहे हो। और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा शांति शांति सा लग रहा है। अभी पति देव से बात हुई तो बोले कि अभी हम निकल चुके हैं वहाँ पे जाने के लिए, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद निकल गए हैं जाने के लिए। अरे दो दो पार्सल चला रखा है क्या? प्रवीण थोड़ा सा आके मेरा ब्लॉग शूट कर दो। तो आज तो मेरा दो ब्लॉग डालोगे कंटिन्यू। चलो अब प्रवीण शूट करेगा, मैं फटाफट बोलूँगी। मेरे पास जैसे मैंने बताया ना कि पार्सल आया, और मैं सोच रही थी इसकी अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से एक बहुत ही कड़वी बात बोलूँगी, शायद कड़वी बोलूँगी लेकिन सच बोलूँगी। इसमें से कुछ लोगों को हमारी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी, तो कोई बात नहीं, चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहले जितने भी पार्सल आ रखे हैं हम सारे पार्सल को आपको ओपन करके दिखाएंगे। अब यही बात मैं, और मुझे पार्सल खोलना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। मैं इसमें ये चीज़ देखना चाहती हूँ, मैंने जो जो सामान मंगाया क्या वही चीज़ आया है या कुछ और आया। ओ हो, ये ला वेलेजा, ये भाई एक ये इयररिंग है, कैसा लग रहा है प्रवीण? ये तो बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग आ रखा है। एक मैंने जो बोला था वो आया ही नहीं है, एक मैंने जो बोला था वो आया ही नहीं है। मैंने बोला था एक वाइट कलर का, चलिए दिखाते हैं। ऐसे देखें, ऐसे दिखाएं, देखिए ये आया है हमको इंस्टाग्राम के पेज से, ला वेलेजा के पेज से आया है। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये इयररिंग है, इनका पेज जैसे कि आप लोग देखते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे कपड़ों का बनाती हूँ, गोल्ड ज्वेलरी मतलब 1 ग्राम गोल्ड का बनाती हूँ, ये सब बनाती हूँ, लेकिन ये मेरे पास आ रखा है ला वेलेजा के पेज से। और इनका पेज है, मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो जैसे वेस्टर्न ड्रेस वगैरह पहनो, या फिर ऐसे कभी कभी होता है कि मन पे साड़ी वगैरह सूट पे ऐसे पहनो ड्रेस तो अच्छा लगता है, तो अगर आप लोग को लेना रहेगा तो आईडी मेंशन करेंगे, आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज करेगा और इनको फॉलो भी कर लीजिएगा। क्वालिटी अपनी, पैकेजिंग कितनी सुंदर है ना। चलिए अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज ये नीचे वाला बंद कर दो मिनी ब्लॉग। एक हमारा ये साड़ी, एक पीला कलर का रखा था, एक ब्लू कलर का, ये वेस्टर्न ड्रेस, ये भी मतलब कि ट्रेडिशनल ड्रेस ये है, और ये साड़ी है, दोनों ट्रेडिशनल ही है। तो इसका हम वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना। आज जितना पार्सल रिसीव हुआ है ये मैंने फेसबुक के लिए बनाया था, तो मैंने इसीलिए बोला कि वाला वीडियो बंद कर दो। तो अच्छा लग रहा है, इसकी फैब्रिक भगवान कसम खा करें, इसकी फैब्रिक इतनी फाइन है, इतना सुंदर अच्छा है, तो मैं आप लोग को क्या बताऊँ। इसका वर्क भी अच्छा है, तो मुझे सिलने के लिए देना है। अब एक पार्सल ये आ रखा है,
तो हम चाह रहे थे, ये शायद मेरे बेटे के लिए है ये पार्सल, अमेजोन से आता है, हमारे पति जो है, ये हमारे पति जो ने ऑर्डर, ऐसे मेरा पेट, आज मैंने चावल खा लिया ज़्यादा ना, इसलिए मेरा पेट ही अलग दिखा था, इसलिए हम खड़े हो गए हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पार्सल खुलने में भी कितना टाइम लगता है। पार्सल खुलने के बाद मैं बहुत ज़रूरी एक बात करने जाऊँगी कि क्या है, पता है प्रवीण क्या है? बोनर पे चिपका देंगे। तो ये कैसे लगेगा? ये ऐसे चिपकेगा क्या? तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा हमको लग रहा है, जैसे ऐसे करके ना, बाबू को चोट ना लगे। अब ये आएंगे हमारे पति देव ही करेंगे। ये बच्चों के लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि बच्चों को नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग के घर में भी बच्चे हैं और आपके घरों में जैसे ऐसे कॉर्नर देखो, ये कितना नोक है, अगर ये गिरेगा तो ये आँखों में भी लग सकता है, सर में भी लग सकता है, शरीर के किसी भी अंग में लग सकता है, इतना ये नुकीला है। तो मुझे नहीं पता था कि ये बच्चों के लिए इतना नुकसान होता है, वरना मैं तो ऐसे बनवाती भी नहीं। वैसे जब ये बन रहा था तो हम लोग थे भी नहीं, जो जैसे हम लोग को बना हुआ मिला, मतलब जैसे काम चलती था उसको रहते रहते पता चलता कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है। तो इतने सारे चीज़ आज मुझे पार्सल रिसीव हुए हैं, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। और रही बात, मैं हाँ आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग, मेरे पति देव कल गए अपने पापा जी को देखने, मतलब मेरे ससुर जी को देखने। वो मेरे भी पापा है, अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो लोग ये भी कहते, तुम ये भी तो बोल सकती थी किट्टो, मेरे पापा जी। हाँ मेरे पापा जी हैं, मैंने कब कहा कि मेरे नहीं हैं। लेकिन होता है ना, इंसान सास को सासी बोलता है, ससुर को ससुर बोलता है, ऐसे ही कहता है ना, ऐसे नहीं कहता है। तो इंसान कन्फ्यूज जाते हैं कौन मतलब पापा कौन मम्मी, क्योंकि डबल मम्मी डबल पापा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पति देव, हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक इतने अच्छे इन्जॉय किए, वीडियो बनाए, सब कुछ किए, अचानक से कॉल आया और वो चले गए। तो मेरे लिए क्या कमेंट आया कि तुम क्या अपने पति के साथ नहीं जा सकती हो, तुम एक अच्छी बहू नहीं हो, तुम बहू के लायक नहीं हो, और तुम क्या जा नहीं सकती। आपको पता है कि पति देव ने अचानक से गए थे, कैसे गए थे ये भी हमको नहीं पता, कि उनको टिकट मिला कि नहीं मिला उस टाइम, जैसे ऐसा दिमाग में आ रहा था कि टिकट मिला कि नहीं मिला उनको, कैसे गए होंगे। एक आदमी देखो कैसे भी सफ़र कर सकता है, लेकिन एक औरत अपने बच्चे को लेकर के कैसे भी किसी भी स्थिति में कहीं नहीं जा सकती है। और रही बात उनके जाने का, तो एक आदमी थे, वो एक बैग लिए, एक दो कपड़े डाले और वो निकल गए, क्योंकि ऐसे अचानक से कॉल आया था तो वो चले गए, ठीक है। आप लोग मेरे लिए बोलो क्या तुम नहीं जा सकती थी, मैं कैसे चली जाती भैया, मेरा टिकट नहीं था, मेरे साथ एक छोटी लड़की भी थी, वो भी थी मेरे घर पे, मैं अचानक से कैसे चली जाऊँ, बताओ आप बताओ। और टिकट का टाइमिंग भी नहीं था कि हाँ चलो टिकट का बहुत ज़्यादा टाइम हो, टिकट तुरंत मिल जाए, हम चले जाएँ, और फिर आना जाना होता है बच्चे को लेकर के, मैं अचानक से लेके निकल जाऊं, ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप लोग मतलब कि जो समझदार है वो तो समझते हैं, जो ना समझ है ना वो ऐसे ही बैड कमेंट्स करते हैं हम लोगों के लिए कुछ भी, कि हम किट्टो को कितना नीचा गिरा दें, कितना सब कुछ बोल दें कि मैं भैया एक अच्छी बहू नहीं हूँ, मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, मतलब क्या क्या बोलते हैं। हाँ भैया मैं सास ससुर की सेवा नहीं करती हूँ, मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ, चलो मैं मान लेती हूँ मैं अच्छी बहू नहीं हूँ, मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हूँ, मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहती हूँ, सब मेरे अंदर बैड क्वालिटी है, बैड मतलब कि मैनर है हमारे अंदर सब कुछ है, मैं मान लेती हूँ। कुछ भी यार मतलब हद करते हो। मैंने जब मेरे पति देव जा रहे थे, मैंने उनसे सिर्फ यही सवाल किया कि आप अचानक से एक छोटे से बेबी के साथ मैं रहूँगी अकेले, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो तो है, शुक्र मनाओ कि प्रवीण आज सुबह ही सुबह आ गया, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करना होता है, मंदिर जाना होता है, हर चीज़ करना होता है, एक लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं मंदिर से पूजा करके आई, फिर मैं अपने बच्चे को देखी, फिर उसके बाद प्रवीण देर मतलब आ गया, फिर जब प्रवीण उसको लिया तो फिर उसके बाद मैं यहाँ की पूजा की, छोटी पीना, मतलब इतने सारे चीज़ें होती है भाई, वो चलने लगा है तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती, इसलिए मैंने बोला उनके जाना है तो ठीक है जाओ, लेकिन मतलब ऐसे अचानक से जा रहे हो तो थोड़ा सा हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है। बाकी
मेरे से कोई दिक्कत नहीं था, मुझे उनके जाने से दिक्कत थी, मुझे उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। वो कब, क्योंकि देखिए सबके माँ बाप अपने लिए अच्छे होते हैं और हर बच्चे को अपने माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए। एक बार नहीं, वो 10 बार बुलाएंगे तो ये 10 बार के 1000 बार जाएंगे और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इनका फ़र्ज है जाना, उनका ध्यान रखना, मेरा भी है। हम लोगों ने जब इसके पहले गए थे तो हम बोले कि चलिए यहाँ पे रहिए, हम लोग यहाँ पे इलाज कराएंगे, जो भी करेंगे। जब वो यहाँ पे नहीं आए तब हमारे पति, मतलब कि अब हम, हमारे पति देव बोलेंगे तो इसमें भी आप लोग ये बोलोगे तुम्हारे ही पति नहीं है, उनके बच्चे हैं। मैं मानती हूँ कि उनके बच्चे हैं भैया, तो जैसे मेरे पति तो मैं ही बोलूँगी ना। तो मैंने इनसे बोला कि चलिए अगर पापा यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो आप वही जाकर के इलाज करवा लो। वो गए इलाहाबाद में दिखाए, उसके लिए भी आप लोगों ने इतने बैड बैड कमेंट्स किए कि अरे जा रहे हो तो दिखा क्यों रहे हो। भाई करूँ तो क्या करूँ, आप लोग ही बताओ कि दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। यार गए थे, दिखाए थे डॉक्टर को, इनका पूरा फ़र्ज है, उनके बेटे हैं भैया। जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देता है तो एक माँ बाप का सहारा बच्चा ही होता है, तो है ना, उनके बच्चे हैं ना, तो करते हैं ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पति देव ही पूछते हैं उनको, ऐसा नहीं है। बड़े वाले जी, मतलब जो वंदना दीदी के हस्बैंड, वो भी पूछते हैं कि आ जाइए मैं यहाँ पे दिखा दूँ, वो कर दूँ, ये कर दूँ, क्योंकि अब उनके दोनों बच्चे पढ़ते हैं तो इसीलिए तो आजकल वो कहीं जाती नहीं है। अब धीरे धीरे बड़े बड़े क्लास में जा रहे हैं तो बच्चों का वो ध्यान दे रही हैं कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना है, स्कूल का मतलब लॉस होगा, ये सब वगैरह। वो लेकिन पूछती हैं, वो भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कुछ कहते नहीं करते, वो भी करते हैं अपनी जगह। सब लोग अपने अपने जगह बहुत सही हैं और सब लोग पूछते हैं। और ऐसा हमारे परिवार में कुछ नहीं है कि हम लोगों में कुछ खटपीट वगैरह, मतलब ऐसा तो कुछ चलता नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसे सोचने पे मजबूर कर देते हो लोगों को ना, कि ऐसे परिवार में थोड़ी बहुत दूरियां आ जाती है कभी कभी आप लोगों के ऐसे कमेंट से। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ऐसे कमेंट आओ, मेरे परिवार के लिए ऐसे कमेंट ना करें। हमारे परिवार बहुत अच्छा है और भगवान करे ऐसे परिवार को नज़र ना लगे, ऐसे सबके परिवार में एकता बनी रहे। हमारे सास ससुर, हमारे जेठानी, हमारे वंदना दी, जीजा जी, हमारे ननद, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हम लोग में ऐसा कुछ होता तो हम लोग कभी भी एक दूसरे से के मतलब अच्छाई के, देखो जो अच्छा रहता है उसके बारे में अच्छा ही कहेंगे ना, जो अच्छा नहीं रहेगा तो उसकी तो बात ही, उसकी तो जिक्र ही नहीं करेंगे कि हाँ वो अच्छा है कि क्या है। तो बातें क्लियर हो गई तो आप लोगों से फिर से मैं कह रही हूँ, मैं मतलब मेरे पतिदेव गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो चले गए। और आप लोग जो ये कमेंट किए, बस एक बेटे बच्चे को लेकर के ट्रेन में सफ़र करना, वो तो, मैंने तो ये तक भी अभी, मैं कसम खा कर रही हूँ, मैंने अभी तक ये भी नहीं पूछा कि अच्छा आपको टिकट मिला था कि नहीं मिला था। आप मतलब चले तो गए थे, पहुँच तो गए थे, लेकिन आपको बैठने का सीट वगैरह मिला था कि नहीं मिला था। बस खाली सुबह फ़ोन किए हैं कि हम पहुँच गए, क्योंकि उस टाइम मैं सो रही थी। उसके बाद जब वो सो के, जब मैं सो के उठी तो, क्योंकि मैं सो के उठती तो मैं फ़ोन चलाती ही नहीं हूँ, तो जब सो के उठी फिर मुझे मंदिर जाना था, पूजा वगैरह सब कुछ कर लिए, खाना पीना बना लिए, उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कितने बजे पहुँचे थे। तो बोले कितने बजे, मैं 7:30-8 बजे तक, मतलब कि वहाँ पर घर तक 8:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे, मतलब ससुराल में पहुँच गए थे। फिर उसके बाद मुझे एक काम था, वही ये कोरियर जो आना था ना, ये वाला, इसके लिए मेरे पास फ़ोन आया कि कैश देना पड़ेगा, अब वही चीज़। फिर उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट पढ़ा था, उसमें कमेंट आया था मेरे लिए कि तो बहुत बदतमीज़ है, मैं बहुत बदतमीज़ बहू हूँ, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बहू। चलिए भाई कोई बात नहीं, जो दिल में आया कह दिए। तो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, अच्छी लगेगी आपको मेरी बातें ही नहीं अच्छी लगी तो अच्छी क्या लगेगी। चलिए बाय बाय।